स्वागत है आपका नेशन टीवी न्यूज में। मैं हूं सिमरन शुक्ला। आइए रुख करेंगे आज की प्रमुख खबरों की ओर। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के शिवनंदनपुर गांव में विगत 12 दिन पूर्व गांव के चार लोगों ने हथियार का भय दिखाकर मारपीट करते हुए छिनतई का मामला प्रकाश में आया है। वहीं इस मामले में पीड़ित सुहाना स्टील दुकानदार ज्योतिष बिंद ने बताया कि 7 तारीख को गांव के चार लोगों ने हथियार का भय दिखाकर 35,600 रुपए व एक सोने की चेन की छिनतई की है, जिनके नाम है हीरा बिंद, अरविंद कुमार, सुलेखा देवी, शांति देवी, जो हथियार का भय दिखाकर घर के पास से 35,600 रुपए की छिनतई कर मारपीट करते हुए गाली गलौज किए, जिसमें एक सोने के चेन हीरा बिंद छिनतई की है। इस मामले को लेकर थाना में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराया गया है, जिसका कांड संख्या 119/21 है। थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद गांव के चार लोगों के परिवार व उसके सहयोगी द्वारा दबाव बनाकर केस उठाने की धमकी देते हुए जान से मारने की बात कही जा रही है, जो इस घटने का सारा सीसीटीवी फुटेज कैमरे में देखी जा सकती है। इस घटना के बारे में स्थानीय थाना पुलिस को कहने पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर हम लोगों के परिवार भयभीत है। हम घर से आ रहे थे, जिसमें हीरा बिंद और अरविंद बिंद और उसका पत्नी और उसका बेटी, क्या नाम है, शीला, इसे आप शांति देवी जी, क्या हुआ, उसने हथियार के भय दिखाकर मारपीट किया और पैसा 35,600 रुपया हमसे छीन लिया। इसके बाद के हम थाना में केस दर्ज किए हैं। उसके बाद जो है बार बार हमको धमकी आ रहा है कि तुम केस उठा लो, नहीं तो तुमको गोली मार देंगे। दूसरे दिन 21 तारीख को शाम 8:30 बजे फिर हमको रात में गया था हमारे घर पे धमकी देने के लिए, तुम केस उठा लो नहीं तुमको गोली मार देंगे। तो क्या हुआ इस पे? इसमें हम डरे हुए हैं, भयभीत हैं। थाना में कहे हैं? हाँ, थाना प्रभारी गए थे, देख के आए थे हमारा फुटेज। हाँ। और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए नेशन टीवी न्यूज के साथ।